हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने एक्वा प्लांट, स्पेशली वाटर लिली यानी कि कुमुदनी के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इसमें सितंबर से लगातार फ्लावरिंग हो रही है, लगातार फूल खिल रहे हैं। ये कम से कम 8वें नंबर का फूल है, 7वें 8वें। इसके अलावा और कली भी आ रही हैं। तो ये इतने छोटे कंटेनर में इतने सारे फूल कैसे आए? जनरली लोगों के फूल नहीं खिलते, पौधा तो लगा लेते हैं, प्लांट तो लगा लेते हैं, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो ये बता दूं कि इसे लोग कमल समझते हैं, लेकिन ये कमल नहीं है। कमल ये होता है, ये देखिए, इसकी पत्ती ऐसे गोल होती हैं और उसमें पानी की बूंदें नहीं ठहरती, और इसकी पत्तियाँ ऐसे ऊँची एरियल की तरह जाती हैं, जबकि कुमुदनी में नहीं जाती। इसके अलावा इस पॉन्ड में और भी ये देखिए, ये वाटर लिटस है। इसे कम ही लगाना चाहिए क्योंकि मछलियों को इससे नुकसान होता है। ये डकबीट है, ये मछलियों को बहुत फ़ायदा करता है, उनका भोजन है, ये उनका फूड है। आजकल लोग बड़े बड़े फार्म में डकबीट की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक प्रोटीन ज़्यादा होने से प्रोटीन पाउडर बन रहा है। जिम में जाने वाले बच्चों को इसका जो प्रोटीन पाउडर दिया जाता है वो इसी से बनता है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये बहुत ऑक्सीजन भी देता है। और भी प्लांट हैं, जैसे कि ये जलकुंभी है, ये छोटे से कंटेनर में भी लग जाती है और बहुत इजी ग्रो होती है। इसकी पत्तियां बहुत चमकदार और हेल्दी होती हैं, और इसके जो स्टेम है उसमें इस तरह से एयर भरी रहती है। देखने में ये बेहद खूबसूरत है और इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर पर्पल कलर का फूल आता है। अभी इस वक्त फूल नहीं आया, कुछ दिन पहले आया था। इसके अलावा इसका भी मेडिसिनल वैल्यू है, इसका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनता है और थायराइड की दवा इससे बनती है। इसकी पत्ती को जलाकर उसकी भस्म शहद से दीप के साथ देते हैं। ये ब्राह्मी का पौधा है। वैसे ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी लोग इसको घर में लगाते हैं, इंडोर में लगाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमती है। इजी बहुत आराम से लग जाता है, लेकिन इसकी दवा बनती है। ये ब्रेन को शार्प करता है, तरावट देता है दिमाग में। तो इसको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, इसकी टॉनिक बनती है, इसको सैलेड के साथ भी खाया जाता है। ये सारे प्लांट को मैं ये वाला फूड देती हूँ, डीएपी। एक डीएपी खाद होती है जिसकी 10-12 दाने में एक पोटली में बांध देती हूँ, और फिर उसको मैं अच्छी तरह कपड़े से बांध देना है और उसको प्लांट की गहराई में अच्छी तरह से डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जब अंदर जाकर धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है और जड़ें जितनी ज़रूरत है उतना सूखती रहती हैं और फिर अच्छे से फ्लावरिंग होते रहती है, और चमक भी रहती है पौधों में, और जिनको जो फूल नहीं देते वो भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए इस तरह से मेरे ये एक्वा प्लांट का कलेक्शन है। आप कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताएं। एक बात और बतानी है कि इनके पानी बदलते रहें आप, जो पुराना पानी है उसको दूसरे पेड़ों में डाल दें और ताज़ा पानी हर 2-3 दिन के आड़ में आप इसमें डालते रहें। तो इसमें कोई कीड़े लार्वा नहीं लगेंगे और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन भरपूर रहेगा।